जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर CDS, विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, लाइक वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर, वॉट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर, दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हियर। क्लियर है जी? इस पर बात करेंगे जी। अभी जल्दी ज़रा इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस नाउ। काफ़ी लोग इस समय स्ट्रेस में भी होंगे बिकॉज 1 week इज़ रिमेनिंग एंड हाउ वी आर एबल टू स्कोर इन दिस पेपर वी डोंट नो। समझ गए जी? इस चीज़ पे भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ और डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें। जल्दी ज़रा जितने भी भाई बंधु हैं इस समय लिंक शेयर करते हैं। टॉपिक हमेशा ये पूछा गया आपके पेपरों में, CDS में, CFF में, हर बारी पेपर में क्वेश्चन आता है इससे। ये आपको भी पता और मुझे भी पता है, तो क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए, सो देट वी कैन रिवाइज अप द थिंग्स हियर। मज़े से ये सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी जी, ये मैं कह सकता हूँ। वॉइस ठीक नहीं आ रही, कोई चक्कर नहीं जी, अभी कर देते हैं। जय श्री कृष्ण जी। Now is it clear to you? Voice is audible to you? Diversity काफ़ी important topic है जो paper में आता है, तो इसके ऊपर discuss करना शुरू करेंगे जी। अब 28 बंदे अभी तक पहुँचे जी, जल्दी ज़रा भेजिए जी और join करिए जितने भी भाई बंधु join करना चाहते हैं। Very good evening. अभी भी आ रही है जी, अभी क्लियर है? अब जरा शुरू करें जी टॉपिक। नई वॉइस क्लियर? रुक जाइए फिर, अब बताइए, अब क्लियर है जी? बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और डाइवर्सिटी के ऊपर समझेंगे जी। कर लेंगे नहीं यार, आवाज क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं है पढ़ाने का। आवाज क्लियर है जी? अब यस, देन इट्स फाइन, हो गया जी ठीक, नाउ परफेक्ट, दैट्स फाइन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बहुत हो गई बातें। तो आइए ज़रा सबसे पहले क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन में ये चीज़ समझना ज़रूरी है जी। एवोल्यूशन के बारे तो आपने सुना ही होगा सभी ने, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी। और सबसे पहले हायरार्की के बारे किसने बात की थी? अर्नस्ट हैकल ने। ये दोनों नाम याद रखने, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वोक्स।
पक्का याद रखिएगा, इन्होंने क्लासिफाई किया था, पर बाद में विटेकर की क्लासिफिकेशन मानी गई, ये भी पेपर में कई बार आया। नंबर वन, अभी भी आवाज आ रही है जी, मोनेरा प्रोटेस्टा फंगाए प्लांटे एनिमलिया, ये पांच वैरायटीज की पांच किंगडम है जी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर मोड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसको क्लासिफाई किया जाता है। और मोनेरा को आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को भी फर्दर यूज किया जाता है। इवन पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है जी, मैंने आपको बताया था करवाना कैसे है, प्रतीक क्लास ऑफ जीएस, प्रतीक क्लास ऑफ जीएस, क्लियर अप, फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस और स्पीशीज, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब इन कैटेगरीज की एग्जांपल सारी चीज़ें याद करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है जी मोनेरा, क्या है जी मोनेरा किंगडम के एग्जांपल्स याद रखने। मोनेरा का मोनो वर्ड से मतलब यूनिसेलुलर, क्लियर है जी, यूनिसेलुलर। इनका कुछ भी न्यूक्लियस कुछ भी डिफाइंड नहीं है, एंड नॉट डू दे हैव एनी शो मल्टी सेलुलर डिजाइंस, डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है जी, ये दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको सियानो बैक्टीरिया कहा जाता है, एंड माइकोप्लाज्मा, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा जी, एना बीना पक्का, पिछली बारी CFF में क्वेश्चन आया था, एना बीना इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा, डन। नेक्स्ट आइए प्रोटेस्टा, प्रोटोजोवा से प्रोटेस्टा नाम आ रहा है, यूनिसेलो यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक तो याद होगा, यूक्रियोटिक जिसमें ऑर्गेनेलीज प्रॉपरली डेवलप्ड है, सो दे हैव वेब लाइक फ्लैजेला मूविंग अराउंड, दे कैन बी हेटरोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स एंड प्रोटोजोवा, याद रहेगा प्रोटेस्टा भी। नेक्स्ट बढ़िए फिर, अगर तो समझ आ रहा है, ये जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं उनको याद होगा, मोनेरा के एग्जाम्पल एनाबीना और ये, मोनेरा का मतलब क्या यूनिसेलुलर, और इसी प्रोटेस्टा के एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने, पैरामीशियम अमाइबा और युगलीना, याद है जी ये भी सभी को, युगलीना पैरामीशियम एंड अमाइबा क्वेश्चन आते हैं इनसे, इसलिए बता रहा हूँ। जल्दी ज़रा शेयर करिए, ओनली 19 पीपल, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम टुमारो देर वॉन्ट बी अ क्लास। नेक्स्ट वन फंगाए, दे आर हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक जो खुद का खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे के खाने पर निर्भर करते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉर्मली डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे भी, फूड पे भी डिपेंड करते हैं, उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, सो दे रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट्स बिकॉज ये डिपेंड ही दूसरों पे करते हैं। दे हैव अ कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन द लाइफ, सेल वॉल्स मेड ऑफ टफ शुगर लाइक चिटिन, यीस्ट मोल्ड और मशरूम, याद आ रहा है सच्चा बंदा सेबी सैकेराइड्स, क्लियर है जी। फिर पेन डालता अपने इम्प्रेस करने को, फिर लड़कियों से पूछता मशरूम सूप पीना है, उसका नाम है एगेरिकस। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं जी, ये हैं एग्जांपल्स फंगाई के, डन। आई होप एवरीबडी क्लियर, सेबी सच्चा बंदा है, साथ में पेन रखता है पेनिसिलियम और एगेरिकस का सूप पीता, इसी में फंगाई आर डिपेंडेंट किसी और के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन, और लिकेन सबसे बड़ा उदाहरण है एल्गी और फंगाई का सिम्बियोटिक रिलेशन, ये भी पूछा हुआ IES में, एंड इस कैन बी आज इन योर सीरियस पेपर ऑल्सो, याद आया हमने उसमें भी पढ़ा था कल एसिड बेस में। प्लांटे मल्टी सेलुलर, जो ये थे ये यूकैरियोटिक हैं और ये जो है खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये तो फंगाई तो हेटरोट्रॉफिक थे, ये खुद का खाना बनाएंगे, इसमें हम प्लांट किंगडम अभी पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में भी आपको पता है यूकैरियोटिक्स होते हैं विदाउट सेल वॉल एंड दे आर हेटरोट्रॉफस। अब आ जाओ
आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। प्रोकैरियोट्स में एक ही पढ़ा हमने, मोनेरा, और मोनेरा का एग्जांपल एना बीना याद हो गया, बैक्टीरिया सियानोबैक्टर। यूकैरियोट्स में आपने देखा फर्दर क्लासिफिकेशंस, यूनिसेलुलर में आता प्रोटेस्टा प्रोटोजोवा, मल्टी सेलुलर में आता विद सेल वॉल एनिमेलिया, विदाउट में आते हैं तो विद सेल वॉल फंगाई और प्लांट। अब आइए प्लांट किंगडम में, समझ आ रहा सभी को, रिविजन हो रही है सभी को, ये मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ें रटवाऊंगा एग्जांपल्स जो हमने पढ़ रखे हैं। प्लांट में जो हम डिफाइन करते हैं उनके डिफरेंशिएटेड पार्ट और डिस्टिंक्ट पार्ट्स कैसे डिफरेंशिएटेड है उस लेवल पे, और दूसरा स्पेशल टिश्यूज हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और अदर, उस बेसिस पे क्लासिफाई, एक तो स्पेशल टिश्यूज के बेसिस पे और डिफरेंशिएटेड बॉडीज पे। सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइक करिए, आप लोग लाइक भी नहीं करते ना शेयर करते हैं, फिर आप कहते हो कि हमें आप करवाते नहीं, दिल तो टूटता ना भाई, हम इतनी मेहनत से, बाकी नहीं तो मैराथन भागी रहो, मैराथनों पे मैराथन चलाओ, बाद में पेपर में आना कुछ नहीं, फिर कहना कि सर सच्ची में रह गए। जल्दी ज़रा एक बारी ज़रा लिख ली दीजिएगा प्रतीक तक्षला रेफरल कोड, जल्दी वेट कर रहा हूँ मैं सभी की, जल्दी लिखिए। महा ट्रिपल मैराथन कहीं पता नहीं केड़े केड़े जलवे चल रहे हैं, आ जाओ वापस, हम लिखेंगे स्प्रिंट, ये हमारा जो सेशंस है वो स्प्रिंट है, नहीं फास्ट एंड क्विक टू द पॉइंट, दैट्स इट। अब जरा थैलोफाइट्स क्या होते हैं जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडीज नहीं होते, समझिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एल्गी। दीज प्लांट्स प्रेडोमिनेंटली एग्जांपल्स याद है, UUCCS, माशाल्लाह याद आ गया सभी को, UUCCS पहले तो एक्वेटिक होते हैं सारे के सारे प्लांट्स ये, और इसमें एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, उल्वा, क्लेडोफोरा, याद आ रहा आज ही हमने शाम को किया था क्लेडोफोरा, और ये सारे उल्वा और स्पायरोजाइरा और नीचे अपना चारा, दीज ऑल आर थैलोफाइटास, याद रहेंगे जी, इस पे क्वेश्चन आज ही हमने शाम को डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। अब आता ब्रायोफाइटा, थैलोफाइट्स आर द वन विच लिव इन वाटर, राइट, उसके एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ब्रायोफाइट दोज आर द एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं जमीन पे भी, और इनके डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, नो स्पेशलिस्ट टिश्यू फॉर द कनेक्शन ऑफ वाटर एंड अदर फॉर वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। एग्जाम्पल्स है नी, रिक्की ब्रो अपना फन करता और मर्चेंट है, याद आ गया एग्जाम्पल, रिक्की और ब्रो से आ गया ब्रायोफाइटा, फन करता है फ्यूनेरिया और मर्चेंट है, डन एग्जाम्पल याद हो चुके हैं रिक्की ब्रो के। नेक्स्ट आ जाओ फिर, बिल्कुल बिल्कुल जी, जाके आपने पेपर में यही मारना और फिर जाके साथ में रेफरल कोड लगा देना। अगला आ गया तेरी दो फाइटा, तेरी दो फाइटा में ये प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड है जी, रूट्स स्टेम्स ये सारी चीज़ें, और स्पेशलाइज्ड टिश्यू आ जाता फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड दिस थिंग, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम बन चुके हैं। इसके एग्जांपल तुमको याद है मार्स पे, मार्स जो चंद्र कह रहा हूँ, मार्स ग्रहण को क्या कहते हैं, वहाँ पर माथे पे फर्न लगाते हैं और पीछे घोड़े की पूंछ है, ये दोनों एग्जांपल याद रहेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह एक नंबर। सो द्री प्रोडक्टिव इन ऑल दीज थ्री ऑर्गेनिज्म आर इनकॉन्स्पिकुअस, इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपरली इनकॉन्स्पिकुअस हैं, क्रिप्टोग्राम्स इनको कहा जाता है, दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम तीन में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बात करें। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो, दे स्टोर फूड एंड ऑल दीज थिंग्स। अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है जी, जिनके फ्रूट्स नहीं लगते, जिनके फूल नहीं लगते, नॉर्मली कौन से, एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले, ट्रीज वाले, वुडीज, दे डोंट हैव एनी फ्लावर्स, इनके जो नेकेड जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, पाइन्स, देवदार इसके एग्जाम्पल है, जिनके फूल नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेंगे,
इसके एग्जांपल्स याद रखें, पाइनस एंड साइकास। और जबकि दूसरे में एंजियोस्पर्मा में याद रहेगा जी कवर्ड, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनकी सीड्स इनसाइड ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ फ्रूट। प्लांट एम्ब्रियोस एंड सीड हैव कॉटिलेडोन्स सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी इंस्टेंस दे इमर्ज एंड बिकम क्लियर है जी। कॉटिलेडोन प्रेजेंट इन द सीड और मोनोकॉटिलेडोन्स एंड दिस थिंग, दो अगर हैं तो सिंकल है, बाई है तो बाई कॉटिलेडोन्स, उसको डाइकॉट्स कह देंगे। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है जी, फ्लावरिंग वाले एंजियोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग वाले वो। अब मेरे को बताइए, ये सभी को प्लांट किंगडम भी डन है, थैलोफाइटा में याद रहेंगे आपको, एक्वेटिक वाले कौन से हैं, एल्गिया और क्या है UUCCS। उसके बाद इनका कोई भी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं है, थोड़े थोड़े डिफरेंशिएटेड हैं तो वो कौन से हैं, ब्रायोफाइट, बट इनकी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं डिवेल्प्ड, ये भी क्वेश्चन है। इसके वेस्कुलर टिश्यूज डिवेल्प्ड हैं वो हैं दो, एक तो टेरिडोफाइटा जिनके सीड्स नहीं बनते, लेकिन जिनके सीड्स बनते हैं उनको फिनेरोग्राम्स कहेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल डन, एक बारी ज़रा जल्दी लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा, जो भी ग्रुप है आंखें बंद करके ग्रुप्स में ठोक दीजिए ये वीडियो, ताकि कुछ तो देखें, नहीं तो भक्ति करते रह के मर जाना इन्होंने, फिर बाद में याद करना है इन्होंने। अब बात करें एनिमल किंगडम की, मेरे को लग रहा हमने 15 मिनट हुए, हमें प्लांट किंगडम सारी याद भी है और रिवाइज भी हो गई। किसी को कोई परेशानी कोई गम बता दीजिए। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम में, सबसे पहले पोरीफेरा, पोर्स वाला पोरीफेरा, और आपको इसका एग्जांपल भी याद करवाए थे, नॉन मेटाइल एनिमल्स जो कि पानी में, देयर होल्स ऑफ द पोर्स ऑल ओवर द बॉडी ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, इसी में वेरी मिनिमल, इसमें डिफ्रेंसिएशन हुई नहीं हुई, तो इनको कॉमनली स्पॉन्जेस। आपको स्पॉन्जी रसगुल्ला याद है, वहीं से आपको याद रहेगा ये एग्जांपल, स्पॉन्जीला और उसके ऊपर आपने क्या डाला, न्यूटेला, न्यूटेला लगा के याद रखना क्या, स्पॉन्जी रसगुल्ले के ऊपर आपने न्यूटेला लगाया, वैसे हमने कभी लगाया हुआ देखा नहीं पर याद करने का तरीका है। और फिर साइकन, इसके एग्जांपल हैं पोरीफेरा के, न्यूटेला से एवलप्टेक्टेला याद रहेगा साइकन। नेक्स्ट आइए नाइडीरिया, जो सिर्फ पानी में रह रहे हैं, दे शो मोर देन मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, कैविटी इन द बॉडी, द बॉडी इज मेड ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, एक अंदर और एक बाहर। इसके एग्जांपल्स क्या है जी, ये भी याद रखना, हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमल्स, इसको कहते हैं नाइडीरिया एंड कोलेनथेत्रा, याद रहेगा, मार्क करते जाइए और याद रखेगा, अच्छी बात है। ये तो सभी को याद होगा, प्लेटी हेलमेंटस, हेलमेट से और प्लेट से, पतले बिल्कुल, टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, जो बिल्कुल पतले हैं जिनका कोई भी राउंड शेप नहीं है उनको कहते हैं ये प्लेटी हेलमेंटस। द बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्रिकल दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स को प्रॉपरली आप बांट सकते हो, थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम विच डिफरेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड विच इज वाई एनिमल्स आर कॉल्ड ट्राइपोप्लास्टिक, आउटर एंड इनसाइड बॉडी लिविंग सेल्स एंड दिस थिंग टिश्यू फॉर्मेशन, हाउएवर देयर इज नो इंटरनल कैविटी और कॉलम इन विच वेल डिफरेंट ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैट फॉर्म्स। क्लियर हो गया सभी को जी, लिवर फ्लू याद रखना है और एग्जाम्पल ये याद रखने हैं जी, प्लेनेरिया, प्लेटी हेलमेंटस के भी डन है जी, याद आ रहे हैं, हमने ये बहुत अच्छे से समझा था। उसके बाद नीमा तोड़ा, नीमा तोड़ा नीम के पेड़ के आसपास बूथनी घूमती है, किसमें, गाड़ी में, इससे याद होगा ऐसा कैरिस, और दूसरा व्यूचेरिया, क्योंकि बूथनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्यूच, विच, WITCH, बूथनी गाड़ी ऐसा कैरिस में घूम रही है, किसके आसपास, नीम के पेड़ के आसपास, ये रहा नीचे, और फीमेल है ये, इज एवरीवन क्लियर,
बस मेरे भाई आज की बातें मत किया कर, जिंदगी निकल गई है। ये सिलेंड्रिकल होते हैं बट नो रियल ऑर्गन्स, दे आर वेरी फेमिलियर विद पैरासिटिक फॉर्म्स टीसीस एंड ऑल। एवरीबडी इज क्लियर, सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, लेकिन सिलेंड्रिकल है। उसके बाद आइए एनालिडा, दे भी सेम है बैलेटिकल सिमेट्रिकल ट्रेपोप्लास्टिक बट दे हैव अ ट्रू कैविटी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एनालिडा में ट्रू कैविटी है, टू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन दिस थिंग, एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन एंड दिस थिंग, फ्रेश वाटर मेराइन वाटर एज वेल एज लैंड मिनरल, अर्थवर्म लीच इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये याद रखना है, इसने जान के पेपर में ये डालना है, एनालिडा नेरिस। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आशा है कि मेरे साथ सारे अटेम्प्ट किए हुए हैं और आपको याद है कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाता ही, मैंने अच्छे से आपको सारे पी वाई क्यूज करवा रखे हैं। आर्थ्रोपोडा याद है, आर्थ्रोपोडा का मतलब जिनकी टांगे ही टांगे हैं, कोई भी आपके कीड़ी मधु वो जो है अपने जितने भी हैं, ये स्पाइडर हाउस फ्लाई स्कॉर्पियंस ये सब क्या बटरफ्लाई, जिनकी टांगे ही एक जगह पर लगी हुई, इस ब्लड फिल्ड दे हैव जॉइंटेड लेग्स, दैट्स वाई आर्थ्रोपोड। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलिए। अगला देखिए मोलस्क, आर्थ्रोपोडा के नाम ऊटपटांग रखे हुए हैं, स्कॉर्पियन भी है, रेनिया शनैनिया ग्रैनिया रखी अपने पास, चिटॉन मोलस्क ये याद रखिएगा। इसकी कॉलम कैविटी रिड्यूस हो चुकी है और किडनी लाइक ऑर्गन ऑफ डिस्क्रिप्शन, एक्टिनोडर्मेटा और प्रोटोकोडेटा। They do not have a proper notochord present at all stages in their lives. So protochords are marine animals. सारे जितने भी है ये marine animals हैं, हार्दमैनिया एम्फियोक्सस एंड ये, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, नींद मुझे ना आनी शुरू हो जाए। वर्टिब्रेटा वो होगा जिनका अपना कॉलम है, सीधा फोकस करेंगे जी यहाँ पर जो पेपर में आना। अब कईयों को ना दिमाग में ये नहीं याद रहता कि भाई किस में डबल चैम्बर है, तीन चैम्बर है, कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, हॉट ब्लडेड कौन से होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर फोकस करें, पिछले दो भूल जाइए, कभी नहीं पूछे हुए क्वेश्चंस, डोंट वरी। पाइसिस आपको पता फिश में आते हैं और इनका ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर यहाँ से लेता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन मस्कुलर ये सब पता नॉर्मल है, याद क्या रखना है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनके सिर्फ दो चैम्बर्स होते हैं, ह्यूमन के जैसे चार होते हैं सभी मैमल्स के चार होते हैं, इनके दो चैम्बर्स होते हैं और ये एग्स ले करते हैं। इज एवरीवन क्लियर, ये पक्का याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। इसी प्रकार अगला देखें तो एम्फीबिया, फिश से कैसे, बिकॉज दे लैक ऑफ स्केल्स, स्किन में थ्रू म्यूकस ग्लैंड्स है उसके थ्रू करते हैं। इनमें एम्फीबिया में और रेप्टीलिया में थ्री चैम्बर है, ये भी पक्का याद रखना, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में तीन चैम्बर होते हैं। दे कैन रेस्पायर थ्रू गिल्स और लंग्स, एग्स देते हैं, पानी और इसमें दोनों में रहते हैं। सेलामेंडर्स टोड्स फ्रॉग्स ये सभी इसके एग्जाम्पल। अब आइए अगला, नेक्स्ट पे आइए रेप्टीलिया, सब अभी तक कोल्ड ब्लडेड है सिवाय हम गर्म खून, ये भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शन है, मार्क कर लीजिएगा, क्रोकोडाइल्स में सिर्फ चार चैम्बर है इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस, स्नेक्स लिजर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। याद हो रहे हैं जी सभी को जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स,
ओबरा जोबरा, नेक्स्ट आ जाओ एव्स। जो बर्ड्स हैं दे आर बेसिकली वार्म ब्लडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके चार चैम्बर होते हैं जैसे हमारे हैं, वैसे एव्स, एव्स मीन्स बर्ड्स। दे ले एग्स आउटसाइड कवरिंग ऑफ फैदर्स एंड दिस थिंग। खत्म होगी जी अपनी किंगडम में। ममेलिया, ममेल्स, फोर चैम्बर हार्ट एंड दे हैव दिस थिंग। प्लेटिपस इकेंडा ले एग्स एग्जाम्पल हैं जी। नॉर्मली एग्स नहीं देते लेकिन कुछ ये दो हैं जो एग्जाम्पल एग्स देते हैं। और किंगरूज हैव गिव बर्थ टू अ पोल, इट विल बी यंग। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर। और इसका एग्जाम्पल मैंने याद करवाया था आरबीसी से, रैट बैट और कैट, फिर ह्यूमन, फिर वेल। वेल इज ऑल्सो अ मैमल। ये सभी को क्लियर है जी, हमारी किंगडम्स ख़त्म हो गई, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। अब ज़रा अगला चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको याद होगा पेपर में, आज ही हमने प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी पूछा था कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीशीज़ का स्मॉल लेटर से, और व्हेन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम इज़ इन इटालिक्स रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीशीज हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। विटामिन्स दो मिनट का काम है जी, सुन लीजिए। एक होते हैं वाटर सोलिबल, एक होते हैं फैट सोलिबल। वाटर सोलिबल दो हैं, बी एंड सी, और जो फैट वाले हैं वो आपका कीड़ा, के ई डी ए। ए को कहते हैं रेटिनॉल, इसकी कमी हो तो आँखों में प्रॉब्लम। डी का नाम होता है कैल्सिफ्रोल, इसकी कमी हो तो हड्डियों में वीकनेस, इसीलिए उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। और ई को कहते हैं टोकोफिरोल, और ये के फाइलोकिनोन जो कि हमारी बॉडी में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, एंटी कोगुलेंट कहा जाता है के को। याद रहेगा जी ए बी ई ए के, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल है। सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड जो कि वाटर सॉल्युबल है, और बी इसमें बी वन है थायामिन, बी टू है राइबोफ्लेविन, बी थ्री है नियासिन, बी फाइव है पेंटानोइक एसिड, और बी सेवन है बायोटिन, बी ट्वेल्व साइनोकोबेलामाइन। याद आ गया, ये बॉडी के अंदर खुद ही सिंथेसाइज होता है, बॉडी खुद बनाती है साइनोकोबेलामाइन। मित्रों विटामिन तो हमने रगड़ रखे हैं, ख़त्म होगी किंगडम्स हमारी। आशा है कि सभी को कुछ ना कुछ तो समझ आया, इसमें हेल्प मिली। अगला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेसेस का, एक बार ज़रा जल्दी फिर से रेफरल कोड दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दबा के। सिंपल टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस में, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी आपको पता ही है ऑटोट्रॉफिक जो खुद खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो बाहर से लाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा जी, फोटोसिंथेसिस में होता क्या, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। हमेशा बाहर से लिया गया जाता है जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आर यूटिलाइज फॉर कन्वर्टिंग प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद होगा विच आर इंटरनल एनर्जी, बट सिचुएशन इज सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम फूड वी ईट। बिल्कुल भाई, अब तुम्हारी तो दया है। एक तो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल क्या करती है लाइट एनर्जी को करती है एब्जॉर्ब। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पक्का याद रखिएगा जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन आती कहाँ से है, पानी से आती है जी, पानी से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें रिड्यूस होता है, C6H12O6। ये आपको शायद पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, ये भी पूछा हुआ है,
carbon dioxide gets reduced to carbohydrates. For example, the steps need not take place one after another, katthe chalte hain. उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है जी, हेटरोट्रॉफिक हमें पता है, न्यूट्रिशन जो हम दूसरे से लेंगे। अब आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, सबसे पहले सलाइवा। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेस होता है हमारे थूक में जो यहाँ पर है, और ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रोक करता है इंटू सिंपल शुगर फ्रक्टोज एंड दिस वन, एंड देन सलाइवा से मिक्स होके ये जाएगा अंदर। ये फूड पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस, और इसको नीचे जाएगा तो पेट में, और ये जो मूवमेंट हो रही है ना खाने की, यहाँ पे कंप्रेस होता है, फिर ऐसे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, इसको कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स। फूड इज टेकन टू द स्टमक, स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, और यहाँ पर मिक्स होता है विद डाइजेस्टिव जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं पेट, याद रखिएगा, याद रहेगा जी, एंजाइम्स के नाम पक्के याद रखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक बना देता है उसको बचाने के लिए आसपास, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक मीडियम चाहिए पेप्सिन को रिएक्ट करने के लिए, एक्शन करने के लिए, और उसके आसपास म्यूकस उसको बचाता है कि ताकि कुछ हो ना। नेक्स्ट, लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की वेरी करती है बॉडी टू बॉडी, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी समझ है, ये हम पढ़ चुके हैं जी। और याद रखिएगा पैनक्रियाज जो कि रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन को और ग्लूकागोन को, जो शुक्रोज शुगर को हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। अदरवाइज पैनक्रियाज का एक और काम है जी, ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करते हैं जिसका काम है ट्रिप्सिन एंजाइम, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, और लाइपेस फैट्स को, ये पैनक्रियाज का काम है। पैनक्रियाज इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी विच इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। आइए, विलाय स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में काम आता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उससे ज़्यादा इजीली एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। डेंटल केरीज कल हमने पढ़ लिया था, एसिडिक मीडियम में होती है, ये हो गया अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी ये वाला। यहाँ पर क्वेश्चन इस कर्व को याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था, रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन तो ख़त्म हो गया जी इंसान में कैसा, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 90% आर नॉट एबल टू आंसर, क्लियर है जी। इन सेल्स, जब ये न्यूट्रिशन पहुंच गया सेल्स में तो वहाँ पर रेस्पिरेशन होगा जहाँ से एनर्जी कन्वर्ट होगी। सो सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक को, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए कुछ ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेंगे, कुछ वो सेल्स में कैसे होगा ये देख रहे हैं। ये रट लीजिए, वैसे इस लॉजिक से मैंने समझाया भी हुआ, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, किसमें होता है ये भी पूछा हुआ, साइटोप्लाज्म में, याद रहेगा जी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, और पाइरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बो डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये कहाँ पर होगा, यीस्ट में, फंगाई में। अगर ऑक्सीजन कम है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, रादर इसी से ही क्रैम्प्स आते हैं बंदे के, क्रैम्प्स जो बनते हैं ना मसल्स में, द बिल्डिंग अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स एथलीट्स को, वो किसके कारण, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है मसल्स में होता है। तीसरा, जब खुली ऑक्सीजन हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये चारों तीनों याद रखने। Is everybody clear about this thing also? ये याद है सभी ने, जिन्होंने मेरे साथ लगाई हुई है, they must have remembered.
और एटीपी आपको पता ही है जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एनर्जी इज ब्रोकन इनटू गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया। ड्यूरिंग द डे CO2 टू जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज अप फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन रात को क्या होता है CO2 टू रिलीज होगा ही नहीं, ना वो यूज होगा, इसीलिए बुजुर्ग कहते थे रात को पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है ना वो सोटो CO2 और ऑक्सीजन दोनों रिलीज करता है। क्लियर है जी, ये पॉइंट याद रखिएगा जी। डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है स्टोमेटा से प्लांट की लीव से। नेक्स्ट आइए फिर, बाकी हम समझ चुके हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट आइए, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, हमारे लंग्स में होते हैं एल्वेलाई जहां पर एक्सचेंज होता है, और इसके आसपास खूब खून की नाड़ियां होंगी, ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे खून में चला जाएगा क्या ऑक्सीजन, एंड दैट विल हेल्प दिस थिंग। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड, वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्लियर जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलेबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, एंड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, ये भी याद रखिएगा। अगला, ब्लड में अगर आपको याद हो तो प्लाज्मा होता है जिसमें सेल्स आर सस्पेंडेड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस एंड ऑल, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है आरबीसीज, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। पंप का तो सभी को याद है ना, हार्ट का मैंने प्रॉपर डबल सर्कुलेशन सिस्टम पिछली बार क्वेश्चन भी आ गया था। पहली तो चीज, हमारे दो सर्कुलेशन क्यों होती हैं, ये जो है ना जो आपको राइट में दिख रहा है ये लेफ्ट है वैसे, और जो लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट है, पहले तो ये समझ लीजिए। जब खून को पंप करेगा तो खून जाएगा पूरी बॉडी में, और जाता बाहर कहाँ से जाता है, आर्टरी से, अंदर को कहाँ से आता है, वेन से, पहले तो ये याद रखिए। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, और चैम्बर्स भी क्लियर हो चुके हैं सभी को। हमारा 4 चैम्बर्स हार्ट है, ह्यूमन बींग्स का, मैमल्स का और बर्ड्स का 4 चैम्बर्स हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके 2 चैम्बर्स हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो भी खून बाहर जाता ना हार्ट से, इस चीज़ को भी देख लेते हैं, जो भी खून बाहर जाएगा उसको आर्टरी कहेंगे, और जो अंदर लाएगा उसको वेन कहेंगे। और लेकिन लंग्स के केस में आर्टरी और वेन चीज़ तो वही है, वहाँ पर वर्ड ऐड हो जाएगा पल्मोनरी। ये चीज़ याद रखिएगा जी। और ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल 140/80 होता है, ये चीज़ मैं भाई डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेटलेट आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी चीज़। तो मेरे मित्रों, मेरे को अब छुट्टी दे दीजिएगा, बायो का हमने काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं पहले, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।